हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का न्यू टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब कहलाएगा ना। डेफिनेशन फर्स्ट मैंने कराई थी, इसमें आपकी मिस्टेक है। फर्स्ट वाला सही है, x1 इज़ लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा ना यहाँ पे, इस जगह पे लेस देन और इक्वल टू। सेकंड वाले में इंक्रीजिंग नहीं आएगा, सेकंड वाले में आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है वो, मतलब जो लगातार इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 का साइन लगाएंगे एंड एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन एफ ऑफ x2। देन कॉन्स्टेंट की बात हुई थी, देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपके डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग x1 इज़ लेस देन x2, लेकिन एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी x1 लेस देन x2 लेकिन एफ ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो ये किसी इंटरवल में मैंने इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करी थी। नाउ जो मैं सेकेंड टॉपिक पे आपके आ रही हूँ, वो सेकेंड टॉपिक है डेफिनेशन 2 जो आपकी है, वो है कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होएगा ना। तो वी शैल नाउ डिफाइन व्हेन ए फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट। तो डेफिनेशन 2 कहता है, लेट एक्स नॉट बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, यानी कोई भी फंक्शन एफ है उसकी ये पूरी डोमेन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स नॉट, देन एफ इज सेट टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट एक्स नॉट इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवेल आई कंटेनिंग एक्स नॉट। इस एक्स नॉट पे अगर एक ओपन इंटरवेल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा हो, सच दैट एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेस्पेक्टिवली इन आई। अगर इस इंटरवेल में एक्स नॉट पॉइंट है और इस इंटरवल में अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऊपर वाले लॉजिक से डेफिनेशन 1 से इस इंटरवल में अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं कहूँगी कि वो इस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैं कहूँगी कि वो इस पॉइंट पे भी क्या है स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से किसी पॉइंट पे भी अगर बात करनी है तो उस पॉइंट के पास में मैं एक इंटरवल क्रिएट करूँगी, उस इंटरवल में मैं चेक करूँगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर मैं उस पॉइंट के लिए कंक्लूड करूँगी कि अगर उस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं कहूँगी उस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग है, अगर उस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैं कहूँगी कि उस इंटरवल में भी कैसा है, डिक्रीजिंग है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x-3 इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग शो करना है तो मैं मान लेती हूँ, मान लिया मैंने x1 और x2 दो नंबर्स हैं। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, x1 इज़ लेस देन x2, x1 अगर x2 से छोटा है इसका मतलब 7x1 भी किससे छोटा होगा, 7x2 से, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड -3 करूँगी तो भी इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब एफ ऑफ x1 किससे छोटा आ गया, एफ ऑफ x2 से। तो बाय डेफिनेशन 1 इट फॉलोज दैट एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये जो सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपके करेक्शन करवाया था, फर्स्ट पॉइंट फॉर डेफिनेशन 1 के सेकंड पॉइंट से ये जो फंक्शन एफ है ये कैसा आया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है आर पे। अब ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है एग्जाम में आपके प्रूफ में नहीं आएंगे, ये सिंपली पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x-3 कोई फंक्शन है देन आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसी पे बेस्ड हमारी एक थ्योरम जो है इस, जिसका द प्रूफ ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर्स द मीन द फर्स्ट डेरीवेटिव फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ना, हम इसकी फर्स्ट डेरीवेटिव देते हैं। अब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरीवेटिव कैसा होगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरीवेटिव कैसा होगा, तो इसकी जो एक थ्योरम हम यहाँ पे करते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन a, b। एफ मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है जो कि क्लोज इंटरवेल a, b में कैसा है, कंटिन्यूस है एंड डिफ्रेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवेल a, b। क्लोज इंटरवेल में कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवेल a, b में डिफ्रेंशिएबल है। तो मैं क्या कहूँगी कि f इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवेल में इफ़ f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है फॉर ईच x बिलोंगिंग टू a, b, जहाँ हर x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवेल a, b को, तो मैं क्या कहूँगी कि f इंक्रीजिंग है।
f is decreasing in a comma b, f decreasing कहलाएगा closed interval a comma b में अगर f dash x कैसा है, नेगेटिव है, तो अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के भी पता लगा सकती हूँ, जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है ओपन इंटरवेल a कॉमा b में तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा, और जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाता है हर x बिलोंगिंग टू a कॉमा b के लिए तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका प्रूफ देखते हैं हम, इसका प्रूफ क्या कहता है, सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है। सो फर्स्ट ए, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बी सच दैट एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू। एक्स वन किससे छोटा है, एक्स टू से। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो हम चैप्टर नंबर 5 में करके आए थे वो क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है एक्स वन और एक्स टू के बीच में कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर होगा, एफ डैश सी एक्स टू माइनस एक्स वन। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि एफ डैश सी, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर एक्स वन और एक्स टू क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी में है कि एक्स वन एक्स टू से छोटा है तो एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा एक्स वन और एक्स टू के बीच में कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी एक्स टू माइनस एक्स वन के। नाउ दैट इज़ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन किससे बड़ा होगा, ज़ीरो से। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि एफ डैश सी जो है वो किससे बड़ा है, ज़ीरो से। एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, हम ये मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि हम ए वाले पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स टू किससे बड़ा हो गया, एफ ऑफ एक्स वन से। इसका मतलब एक्स वन एक्स टू से छोटा हुआ और एफ ऑफ एक्स वन भी किससे छोटा हो गया, एफ ऑफ एक्स टू से। फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसने बिलोंग्स का साइन मिस कर दिया है, यहाँ पे इसने लेस देन का साइन मिस कर दिया है, इसीलिए एफ जो है वो कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। इसी तरह से पार्ट बी और सी के भी प्रूफ हम सेम इसी टाइप से करेंगे, लेकिन बिकॉज अब आपके फर्स्ट टेस्ट जो है फर्स्ट टर्म टेस्ट एमसीक्यू पैटर्न है तो हमको थ्योरम की स्टेटमेंट समझना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीड ऑफ द प्रूफ पार्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इसका रिमार्क्स देखो, देयर इज़ ए मोर जनरलाइज थ्योरम विच स्टेट्स दैट इफ, एक मोर जनरलाइज थ्योरम है वो क्या कहती है कि इफ़ f, अब यहाँ पे इसने मिस्टेक करी है, देखो f डैश x है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डैश है, ये बीच में कुछ भी नहीं है, f डैश x है, कि अगर f डैश x ज़ीरो से बड़ा है फॉर x इन एन इंटरवल एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को छोड़ के अगर किसी इंटरवल में f डैश x ज़ीरो से बड़ा है और उस इंटरवल में f कंटिन्यूस है तो f इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह से अगर f डैश x किसी इंटरवल में लेस देन ज़ीरो है एक्सक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को छोड़ के अगर किसी इंटरवल में, जैसे a कॉमा b है ये मेरा इंटरवल है, तो इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स को छोड़ के बीच के इंटरवल में अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉन्टीन्यूस है तो वो एफ़ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है और एफ़ कॉन्टीन्यूस है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और एफ़ डैश एक्स अगर नेगेटिव है और एफ़ जो है वो कॉन्टीन्यूस है तो वो फंक्शन कैसा होगा, उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कोई फंक्शन एफ मुझे गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब मेरे को पता लगाना है, मेरे को ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं भी है तो मैं सिर्फ एफ डैश एक्स निकालती हूँ, तो मेरा एफ डैश एक्स कितना होगा स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स और फोर एक्स का फोर, तो ये कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। अब देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, थ्री से मल्टीप्लाई होगा हमेशा पॉजिटिव, प्लस वन करूँगी हमेशा पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर दैन ज़ीरो रहेगी इन एवरी इंटरवल ऑफ आर, यानी ये जो मेरी डोमेन है पूरी आर, आर के हर इंटरवल में ये जो वैल्यू है एफ डैश एक्स ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और इसकी वजह से ये फंक्शन कैसा हो गया मेरा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है।
तो इस तरह से हम बात करेंगे कि मेरा कोई भी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर कैसा होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग होगा। तो ये जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन वन करी पहले, डेफिनेशन टू करी और एक थ्योरम करी, इन सब के बेसिस पे हम अब इसके और एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आप जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आप स्टार्ट करना, ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, ये आप ट्राई करना। मैं जब इसके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद मैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या तो आप डायरेक्टली देखो x1 लेस देन x2 वाले फॉर्मूले से, नहीं तो आप डेरिवेटिव से देखो। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होएगा, अगर नेगेटिव है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। सो इसके रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।